प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत मंगलवार को डॉक्टर यशवंत सिंह परमान नौणी विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश सरकार के उद्योग परिवहन और श्रम एवं रोजगार मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने की। इस मौके पर उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में खादी बेहतरीन ढंग से कार्य कर रहा है। जो भी सरकार लोगों को सुविधा दे रही है, उसके लिए समय समय पर शिविर लगाकर जानकारी भी दी जाती है। उन्होंने कहा कि हिमाचल का ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहां कार्य नहीं हो रहा। इसी के संबंध में सोलन में कार्यशाला का आयोजन किया गया है। विक्रम सिंह ने कहा कि लोगों को खादी के प्रति जागरूक करने और लोगों को खादी के साथ जुड़े रहने के लिए युवाओं को किस तरह से सुविधाएं दी जाए, इसके बारे में कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत बेरोजगार युवा खादी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जो खादी बोर्ड है वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। किस प्रकार से नौजवानों को उनके साथ जोड़ा जा सकता है, नौजवान किस तरीके से वहाँ पे जो हम फैसिलिटीज देते हैं उसके बारे में समय समय के ऊपर हम कैंप लगाते हैं। और आपको इस बात की प्रसन्नता होनी चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में कोई भी ऐसा कोना नहीं है यहाँ पर खादी ग्रामोद्योग काम नहीं कर रहा। उसी के संदर्भ में आज यहाँ पे हमारा कार्यक्रम है, एक किसी प्रकार की एक वर्कशॉप आज हम यहाँ लगा रहे हैं और उसमें बेनिफिशरीज भी आएंगे और हम लोग अपनी बात भी वहाँ रखेंगे। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। हमारे वाइस चेयरमैन जो हमारे पुरुषोत्तम मलेरिया जी हैं, बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, एक अच्छी कोऑर्डिनेशन है और मुझे ऐसा लगता है इसको और आगे बढ़ाना चाहिए ताकि आम व्यक्ति कई जो सोच है वो खादी के प्रति। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश का नौजवान इस बात को समझने के लिए सक्षम होगा कि खादी ग्रामोद्योग ने जिस प्रकार के कार्य चलाए हैं, जिस प्रकार से वो ऋण देता है, जिस प्रकार की वो सब्सिडी देता है, लोग उस तरफ आकर्षित हो रहे हैं, बेरोजगार उस तरफ आकर्षित हो रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है यहाँ जुड़ रहे हैं। रोजगार सृजन के लिए मेरे पास इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है और आपके ध्यान में रहना चाहिए कि हमने फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग कर दी है, अगले महीने हम सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग कर रहे हैं जिसमें 15,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट जमीन पे आएगी और बहुत बड़ा रोजगार जो है वो हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को मिलेगा। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप की रिपोर्ट।